देगरा शहर में नालियों को मुक्त कर अतिक्रमण हटाने की पहल का स्वागत तो किया जा रहा है, लेकिन अतिक्रमण हटाने के बाद खोली गई गहरी नालियां किसी दुर्घटना का सबब ना बन जाए, इसलिए इन नालियों को रेलिंग लगाकर सुरक्षित करने और नालियों के इर्द गिर्द जमा मलबा हटाने की मांग शहरवासी कर रहे हैं। पेश है देगरा संवाददाता जुबैर खान की यह खास रिपोर्ट। 10 अगस्त 2018 को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी वैश्विक जैव ईंधन दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक शहर में एक बड़े गटर से सटी जगह पर एक चाय वाले ने नाले में एक बर्तन डालकर बर्तन में छेद कर उसमें एक पाइप जोड़ा और नाली से निकलने वाली गैस का इस्तेमाल कर वह चाय बनाने लगा। इस तकनीक को उन्होंने सिंपल टेक्निक करार दिया था। उनकी इस बात से उस वक्त बड़े बड़े वैज्ञानिक और बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी के जानकार भी चकरा गए थे, क्योंकि तब से लेकर अब तक जमीनी स्तर पर इस तकनीक का कोई वास्तविक प्रयोगशील प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन अगर पल भर के लिए मोदी जी की इस गटर गैस प्रणाली को कारगर मान भी लिया जाए, तो आज दिग्रस शहर में दिखाई दे रहे बड़े बड़े गटर और नालियों से बड़े पैमाने पर गैस निकलती और लोगों को रोजगार नसीब होता। लेकिन अफसोस कि ऐसा हो न सका। अतिक्रमण हटाकर नालियां तो खोल दी गई है और ये नालियां आजाद भी हो चुकी है, लेकिन यह नालियां राहत से ज्यादा मुसीबत का सबब बन गई है, जिससे निजात दिलाने की मांग शहरवासी नगर पालिका प्रशासन से कर रहे हैं। सीओ साहिबा का जो है वो शहर में मेरी तरफ से इस्तकबाल करता हूँ, उनके काम की भी सराहना करता हूँ कि जिस दर्जे पर उन्होंने अतिक्रमण हटाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। उन्होंने कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच ये सारी चीज़ें ना देखते हुए समान दर्जे से लोगों की भलाई के लिए अतिक्रमण हटाया है और रास्ते साफ़ किए, नालियां साफ़ किए, पुल्स जो है वो साफ़ किए। लेकिन ये सारी चीज़ों के सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ जो काम उन्होंने अच्छा किया है उसकी तो हम सराहना करते हैं, लेकिन उनसे ये भी निवेदन करते हैं कि जिस अंदाज से उन्होंने, आप देख सकते हैं कि जिस अंदाज से उन्होंने नालियां खुली छोड़ी है उसमें काफ़ी हादसे हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, आने जाने की तकलीफ है, बच्चों को तकलीफ है, बूढ़ों को तकलीफ है। हम कहाँ से जाएंगे, कहाँ से आएंगे, इसका कोई समाधान नहीं है। तो मैं उनसे बड़े एहतराम से ये इल्तजा करता हूँ कि वो जो है वो इसका कोई उपाय करे कि नालियों के ऊपर किसी तरह से कोई जाली डाले या कोई रास्ता क्लियर करे जिससे आने जाने वालों को तकलीफ ना हो, देहात वालों को तकलीफ ना हो। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको ये पता नहीं है कि ये नाली खुली है, तो वो गाड़ियां डाल दे रहे हैं, बहुत से लोग गिर रहे हैं इसके अंदर। शहर के अंजुमन स्कूल से बारा भाई मोहल्ले की ओर और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक से वाल्मीकि नगर की ओर जाने वाले रास्ते पर हर दिन बड़े पैमाने पर लोगों की आवाजाही शुरू रहती है, जिसमें बड़े बुजुर्ग, स्कूली बच्चे और आम शहरवासियों सहित वाहन चालकों का समावेश होता है। इस रास्ते पर बड़ी गहरी नाली है जिसको न रेलिंग है और न ही फेंसिंग है, जिस वजह से डर है कहीं यह नालियाँ किसी बड़ी सड़क दुर्घटना का सबब न बन जाए। इसी तरह से शहर के मच्छी मार्केट और लोहार लाइन में भी एक बड़ी नाली खोदी गई है, जिस वजह से इस रास्ते को पार करना यानी जान का जोखिम में डालने का सौदा साबित हो रहा है। जैसे कि यहां लोग कूदकर रास्ता पार कर रहे हैं, यहां बड़े पैमाने पर मिट्टी और सीमेंट का मलबा पसरा हुआ है। इस बारे में जब NBCN न्यूज ने मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी से बात की तब उन्होंने इस बात को गंभीरता से लेकर इन नालियों के पास सड़क की सतह से थोड़ी ऊंची रेलिंग लगाने अथवा सुरक्षा के लिए कोई विकल्प देने का आश्वासन दिया है। स्कूल के सामने जो हमने अतिक्रमण निकाला है स्कूल के बाजू से, जितना जो एरिया चाहिए वो तो हमने रखा है, लेकिन बच्चों के लिए वहाँ हम रेलिंग की हमारी प्रोविजन है, अभी ठहराव भी ले लिया है, वो कर लेंगे, रेलिंग लगा लेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी द्वारा शहर में जारी अतिक्रमण हटाने की मुहिम से आम शहरवासी काफी खुश है, लेकिन शहर में खुली पड़ी नालियों से जनता की सुरक्षा करना भी उनका प्रशासकीय दायित्व है। उम्मीद है कि वह इन गहरी जानलेवा नालियों और गटर की समस्या का प्रबंध जरूर करेगी, और करना जरूरी भी है, क्योंकि मोदी जी द्वारा पेश की गई गटर से निकलने वाली गैस प्रणाली से गैस निकलेगी भी या नहीं पता नहीं, लेकिन
इन नालियों में अगर कोई गिरता है तो उसके प्राण पखेरु उड़ने और उसकी जान निकलने की संभावना काफी ज्यादा है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।